सीतापुर के ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाके में भी जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। 18-19 सितंबर की देर रात महमूदाबाद कस्बे में जंगली जानवर ने एक बछड़े को अपना निशाना बनाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित बताइए कि महमूदाबाद कस्बे के किस मोहल्ले का मामला है, किसके बछड़े पर जंगली जानवर ने हमला किया और उसकी सांसें थम गई, बताइए। जी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जंगली जानवरों का आतंक अब महमूदाबाद में भी है? अगर ऐसा है तो महमूदाबाद वालों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है, उन्हें सावधान होने की जरूरत है। प्रियांशु जी, जानकारी मिली है कि नगर के बरदही बाजार जो सहजानी वार्ड की ओर पड़ता है, वहां पर जो रास्ते में एक हनुमत कृपा बॉयज हॉस्टल पड़ता है जिसके पड़ोस में राजा राम का घर है। राजा राम के घर के बाहर एक पालतू बछड़ा हमेशा बंधा रहता है और देर रात करीब राजा राम का दावा है कि 3 बजे किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है। देखने से लग रहा है कि बछड़े के जो दोनों कान है वो कटे हुए हैं, गर्दन पे बहुत ही ज्यादा चोट के निशान है, स्किन फटी हुई है और उसका जो हिस्सा है कुछ वो पेट का और गर्दन का वो गायब दिख रहा है। सुबह उठकर राजा राम ने देखा कि उसका बछड़ा मृत है और उसके साथ उसके शरीर के साथ में चोटें हैं और तमाम तरह की जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ निकल करके आई, और उसके शरीर पर चोट के निशान होने के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को नोच नोच कर किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया है। फिलहाल जंगली जानवर की पुष्टि तो इंडिया नहीं करता है प्रियांशु जी, मगर यदि राजा राम के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो आने वाले समय में कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अभी किसी ने देखा नहीं है किसी जानवर को, तो जिस हिसाब से वो बछड़ा मृत पाया गया है उस हिसाब से कयास लगाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको प्रियांशु जी बता दूं कि पास में लकपेड़ा बाग है जिसमें काफी पेड़ है, जहां का ये मामला है वहां पे कई सैकड़ों बीघा जो खेती है, जो भूमि पड़ी है उसमें जो है झाड़ झंखार पेड़ सब कुछ यहाँ पर ऐसा है कि जानवर आसानी से कहीं भी छुप सकता है। हालांकि ये मनाइए कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना आगे न घटे जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वास्तविकता में कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर अपना काम दिखा रहा है। जानकारी चाहेंगे अर्पित कि मौके पर क्या कोई वन विभाग का अधिकारी पहुंचा है और या किसी जानवर के पगचिन्ह मिले हैं, और एक अहम सवाल जो वहां के लोग हैं या जो पीड़ित है जिसका ये बछड़ा था वो क्या दावा कर रहा है, किसी बड़े जंगली जानवर का दावा कर रहा है, वो सियार होने की बात कर रहा है? वो सियार होने की नहीं, वो किसी बड़े जंगली जानवर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सियार आए दिन देखने को मिल जाते हैं लेकिन इससे पहले कभी कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। उसका मानना है कि जरूर कोई ना कोई जंगली जानवर है कि जिस हिसाब से उसने बछड़े के गर्दन को शिकार बनाया है, गर्दन पे जो निशान बने हुए हैं, तो आप भी जानते होंगे प्रियांशु जी कि कोई भी अगर जानवर होता है जंगली तो सबसे पहले वो गर्दन की ओर अटैक करता है जी। तो इससे कहीं ना कहीं वो अंदाजा लगा रहे हैं, हालांकि अब इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि करना गलत होगा जी। और सर बात रही वन विभाग की टीम की, तो अभी तक वन विभाग को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मेरे द्वारा फोन करके उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया था लेकिन किन्हीं कारणवश उनसे बातचीत नहीं हो पाई, संपर्क स्थापित नहीं हो पाया जी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे से आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि नगर के बरदही बाजार से शहजानी वार्ड की ओर जाने वाले रास्ते में एक हनुमत कृपा बॉयज हॉस्टल पड़ता है जहां के पड़ोस में राजा राम का घर है और राजा राम के घर के बाहर हमेशा की तरह एक पालतू बछड़ा बंधा हुआ था और वो बाहरी घर के बछड़ा बांधते थे पालतू बछड़े को, जिसके बाद आप बताया जा रहा है कि बीती 18-19 सितंबर की देर रात अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया बछड़े पर और सुबह जब उठकर देखा तो बछड़ा मृत पड़ा हुआ था। हालांकि जिस हिसाब से जिस हिसाब से बछड़े पर चोट के निशान है बछड़े के शरीर पर, उस हिसाब से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी बड़े जंगली जानवर का यह हमला है। हालांकि आई इंडिया वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि गर्दन पे भी बड़े चोट के निशान है, पूरी गर्दन उसकी अलग हिस्सा एक हिसाब से है और जो पेट है उस पर भी जो है बड़ा सा निशान बना हुआ है, चोट का आधा हिस्सा खाया हुआ है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी बड़े जंगली जानवर का ये हमला है। हालांकि इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता कि जंगली जानवर ही है, और जो राजा राम है जिसका ये बछड़ा था उसका भी उसका यही कहना है कि जंगली जानवर की ही आशंका है, उसी ने हमला किया है।
ऐसे कोई हमला नहीं कर सकता। फिलहाल अभी वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं हुई है और आई इंडिया ने वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी चाही तो उनका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद आपको बता दें कि पूरे कस्बे में दहशत फैल गई है, क्योंकि अभी तक सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में ही जंगली जानवरों की दहशत थी, चाहे हम बाघ कह दें महोली इलाके में जो पिछले 4 वर्षों से फैली हुई है, खैराबाद इलाके में बाघिन का आतंक फैला हुआ है, इसके अलावा महमूदाबाद और सदरपुर कस्बे में बाघ का आतंक देखा गया था और साथ ही सिधौली इलाके में भी बाघ का आतंक देखा गया था, लेकिन वन विभाग ने उसे बाघ ना होकर सियार बताया था। लेकिन अभी तक ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत फैली हुई थी। अब लोग यही आशंका जता रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है महमूदाबाद कस्बा है उसमें भी जंगली जानवर की एंट्री हो चुकी है और उसका एक कहेंगे उसका एक उदाहरण ये भी देखने को मिला कि देर रात जंगली जानवर के हमले में एक बछड़े की मौत हो गई है और पूरे इलाके के लोग जो हैं इस समय दहशत में हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, और हम आपको जो पीड़ित राजा राम है जिसके बछड़े पर हमला हुआ था और उसकी सांसें थम गई हैं, उसने क्या कुछ जानकारी दी हम आपको सुनाते हैं। आपकी जो आपका जो बछड़ा है उस पर जो वार किया गया किसी जंगली जानवर द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जंगली जानवर ने खाया है। जब लगभग कहाँ बंधी थी और क्या कैसे पूरी घटना हुई? ये 3 और 2 के बीच में हुई है रात में जी। कैसे लग रहा है, क्या किसी जानवर ने खाया है उसे, क्या क्या कटा हुआ था, क्या कैसे था? ये दोनों कान नहीं थे उसके, गर्दना काटा और कलेजा फाड़ के खा लिया बस। कोई पक्षी नहीं या कुछ भी दिखे? पाग चीन तो नहीं कुछ मिले हैं। नहीं मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया? जी। तो मृत हो गई? जी। उसको मुंह दिया आप? जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।